किसान के बेटे, किसान के बेटे वर्ड बार बार यूज़ होता है। वो किसान के बेटे नहीं, वो गुंडे थे, क्योंकि किसान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। प्रदर्शन वगैरह तो बहुत अटेंड करे हैं, और मैं कम से कम, मेरी 53 इयर्स ओल्ड मतलब हूँ मैं, एज मेरी 53 साल की है, और ऐसे मॉब तो मतलब इस तरीके का माहौल हमने कभी नहीं देखा। फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, डंडे भी लिए, तलवार भी ले रहे थे सब लाए, तो वो पुलिस के पीछे पड़ गए। अंदर से जब मॉब बाहर की तरफ भागा है, तो वो जो मॉब भाग रहा था, उनके हाथ में जो कुछ भी था और जो फोर्स अंदर जा रहा था, उनके ऊपर उन्होंने लाठी, डंडे और तलवारों से हमला शुरू कर दिया। और उसी टाइम मैं भी वहाँ मौजूद था, और ये नहीं पता चल रहा था कि डंडा कहाँ से आ रहा है, कौन सरिया मार रहा है, कौन तलवार चला रहा है। और काफ़ी डंडे मेरी पीठ पे लगे, मेरे कंधों पे लगे, मेरे हाथ पे लगे, जहाँ से मेरे को इंजर्ड हुआ है नी की तरफ से, और पीछे से तलवार भी उन्होंने मारी है। लेकिन उस टाइम पे कुछ सीढ़ियाँ थी जहाँ से मैं कूद के अंदर की तरफ चला गया, और मेरे साथ 35 या 40 आदमी कम से कम पौने घंटे तक वहाँ फंसे रहे, और ये चारों तरफ से हमारे ऊपर पथराव करते रहे। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागी, तो हम भी उनके साथ भाग लिए अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कुछ लग ना जाए। तो हमने देखा कि हमने जान बचाने के लिए ग्रिल क्रॉस की, जैसे वो ग्रिल क्रॉस की तो वो ग्रिल हमारे ऊपर गिर गई टूट के, और हमारे ऊपर से बहुत सारे, काफ़ी सारे लोग अंदर नाले में कूद गए उस ग्रिल के ऊपर से, और हम नीचे दब के चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ के, लेकिन वहाँ पे जब कोई नहीं सुना था। लेकिन ऐसे ही 5-10 मिनट चलता रहा, उसके बाद कुछ सिविल में थे हमारे स्टाफ के थे जो, और कुछ पुलिस वाले जो वर्दी में थे, तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला और पीछे पार्क में बैठा के पानी वानी पिलाया। उसके बाद फिर शाम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया यहाँ पे, तो जिसकी वजह से काफ़ी चोट है, अंदरूनी चोट है, भारी चोट नहीं है। वहाँ पे जो लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस स्टाफ के साथ मैं खुद लाल किला के गेट पे साहब के साथ हम मौजूद थे। साहब ने उन जो लोग वहाँ अंदर फंसे थे उन्हें निकालने के लिए आदेश किया था, उनको धीरे धीरे हम बाहर निकाल रहे थे। अचानक वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ आई, जिन्होंने मारना पीटना शुरू किया, उनके पास लाठी डंडे थे, तो उस दौरान उनको बचाने के चक्कर में ये हाथ में चोट लगी है, जिसका मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि मुझे खुद चोट लगी हुई है। लेकिन मैं साहब के आदेश के अनुसार हम उनको सबको सुरक्षित निकालने के लिए वहाँ से तत्पर थे। एक्चुअली मैं जब हम अपनी फोर्स को लेके, हमारे जो सीनियर्स थे ऊपर रैंपर्ट पे मौजूद थे, उन्होंने हमारे को अंदर बुलाया कि आप लाल किला परिसर में अंदर की तरफ आइए अपनी फोर्स लेके। तो काफ़ी अफसर्स अपने अपने अपनी फोर्स को लेके अंदर की तरफ चुपचाप जा रहे थे, और जो भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनको हम समझाते हुए जा रहे थे कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें, प्रदर्शन मत करें, इस तरीके से हिंसक मत हो। और हम उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन भी करते जा रहे थे कि आप सब लोग हिंसक मत हो, बड़े प्यार से इसको, अगर आपने आंदोलन को करना है प्यार से करिए, लेकिन वो नहीं माने। तो जो पहले किसान आए वो अंदर ठीक ठाक शांतिपूर्वक तरीके से बैठ गए थे, उसके बाद फिर कुछ और किसान आए, उन्होंने दंग अवसाद की, वहाँ पर फायरिंग भी हुई, हालांकि पुलिस शांतिपूर्वक खड़ी थी, किसी को कुछ नहीं कह रही थी। फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, डंडे भी लिए, तलवार भी ले रहे थे सब लाए, तो वो पुलिस के पीछे पड़ गए। हमारे यहाँ कल रिपब्लिक डे का जो अरेंजमेंट था लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग, वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से लगा हुआ था। दोपहर में किसानों के ट्रैक्टर्स जो आए हैं लाल किला पे, वो बैरिकेड को तोड़ते हुए लाल किला के सामने प्रांगण में जाके खड़े हो गए। उसके बाद काफ़ी संख्या में लगातार आते रहे, इतना हो गया कि दोनों तरफ से रोड पूरा भर चुका था, और लाल किले में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हमारे पास स्टाफ था, सभी ने हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो आदेश दिया था
कि आप बहुत संयम बरतते हुए आप इनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तैनात रहेंगे, किसी भी तरह की कोई भी अवांछित घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, जिसके हिसाब से हमारा पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से डिप्लॉय होकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। पहली बात तो यही नहीं था कि वो लाल किले पे आएंगे, क्योंकि प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था हमारी फोर्स ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो आ गए। फिर ये नहीं था कि इतना बड़ा बवाल होगा, क्योंकि ये था कि ये किसान ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अचानक उनमें से कुछ लोगों ने किसान नहीं कहूँगा उनको, मैं उनको गुंडे कहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने अचानक से उपद्रव शुरू किया। वो लोग नशे में थे, उन्हें खुद ये नहीं मालूम था कि आप किसको क्या कर रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। उनका कुछ मोटिव नहीं पता, उनका कोई लीडर नहीं था। उन्होंने अचानक से हमला शुरू कर दिया। ये था कि ये किसान ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो किसानों के साथ साथ कुछ और दंगलबाजी भी थे, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि किसान ऐसा नहीं कर सकता। किसान को भी पता, किसान के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। इसके अंदर ये नहीं लग रहा था कि वो किसान है, क्योंकि हमारे साथ जो नौकरी कर रहे हैं और हमारे साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, वो सारे किसान के बच्चे हैं, और किसान कभी अपने भाइयों पर कभी इस तरीके से वार नहीं करता। और इस तरीके के वार हो रहे थे कि वो ये सोच रहे थे कि इनको मार दिया जाए, बस वो सिर्फ ये देख रहे थे खाकी में कौन है, पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी में कौन है, बस इनको ख़त्म करना है और कुछ नहीं, बस उनका यही एक ख्याल था कि इनको मार दो बस।